नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। तो उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है आपका जो कल ही टेस्ट किया गया था और जिसको आज भी टेस्ट किया गया है, नवल LCA तेजस, उसकी अर्रस्टेड लैंडिंग करा के। और ये लैंडिंग सफलतापूर्वक परफॉर्म की गई है और इस लैंडिंग को आज भी परफॉर्म किया गया है। और इस लैंडिंग से आए कुछ डेटा की माने तो ये जो लैंडिंग परफॉर्म की गई है वो काफ़ी एक्यूरेटली परफॉर्म की गई है। और इस लैंडिंग को परफॉर्म करने से पहले इस एयरक्राफ्ट को तकरीबन 40 मिनट तक उड़ाया गया। और इस लैंडिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट को 90 मीटर के अंदर स्ट्रेच करके अर्रस्ट कर लिया गया और सफलतापूर्वक रोक लिया गया, जो कि एक टेक्स्ट बुक डेटा को फॉलो करता है। और इस तरह के जो भी लैंडिंग होती है वो भी 100 मीटर के अंदर, तो इस डेटा को किसी भी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर के लिहाज से, वहाँ पर लैंड करने के लिहाज से एक परफेक्ट डेटा के रूप में देखा जाता है। वहीं पर जहाँ तक बात है टेक ऑफ की, तो इसके टेक ऑफ के लिए इसको 200 मीटर की स्पेस की आवश्यकता है। वहीं पे अगर आप बात करते हो नॉन नेवी LCA की, तो नॉन नेवी LCA तेजस तकरीबन उसको 1000 मीटर का जो रनवे स्ट्रेच वो दिया जाता है लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए। तो आप अगर इस पैरामीटर पे देखते हो तो नवल LCA तेजस ने एक अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं है कि नेवल LCA तेजस को इंडियन नेवी एक बड़ी मात्रा में ऑपरेट करने जा रही है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 स्क्वाडर्न ही होंगे, लेकिन इस लैंडिंग को एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के रूप में देखा जा रहा है नेवी के मार्क टू तेजस के लिए। और जब नेवल LCA तेजस ने लैंडिंग की तब इसने तकरीबन 35 टन का जो वेट है वो जनरेट किया इसके वायर्स पे जो इसको अरेस्ट कर रहे थे। और ये डेटा भी काफ़ी कैलकुलेटिव डेटा था, जो कि अमूमन इस तरह के लैंडिंग में निर्धारित होते हैं। और आज सुबह भी नेवी के LCA तेजस ने एक और लैंडिंग परफॉर्म की है और उसके रिजल्ट भी सराहनीय बताए जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं आकाश मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को लेकर। तो आकाश मिसाइल के प्रोक्योरमेंट के बारे में हमने पिछले वीक ही रिपोर्ट किया था कि इसके तकरीबन 6 स्क्वाड्रन IAF प्रोक्योर करने वाली है, जबकि 8 स्क्वाड्रन ऑलरेडी ऑपरेट करती है। लेकिन जो 6 स्क्वाड्रन के ऊपर कुछ संशय था वो बना हुआ था कि 6 स्क्वाड्रन है या फिर 7, क्योंकि जो पहले प्लानिंग थी वो 7 स्क्वाड्रन की थी, लेकिन ऐसी न्यूज आई कि इसको सिर्फ 6 ही स्क्वाड्रन ग्रांट किए जा रहे हैं, तो इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब इस पर क्लैरिटी आ चुकी है और IAF ने रिसेंटली बताया है कि उनको तकरीबन 7 स्क्वाड्रन आकाश के प्रोक्योर करने की अनुमति मिली है। और इन सभी 7 स्क्वाड्रन में जो सीकर है वो लगा होगा, और जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी और भी घातक हो चली है, क्योंकि जब ये मिसाइल बिना सीकर के था तब भी इसने स्पाइस 2000 को इंटरसेप्ट कर दिया था। और ऐसा बताया गया था कि ये किसी भी टारगेट को तकरीबन 30 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और ऐसा ही कुछ इसने परफॉर्म किया था श्रीलंका में कंडक्ट किए गए एक एक्सरसाइज में IAF के द्वारा। तो ये जो आकाश मिसाइल की डील है ये तकरीबन 5700 करोड़ की डील है, और इस डील के अंतर्गत तकरीबन 7 स्क्वाड्रन IAF को दिए जाने हैं। और प्रत्येक स्क्वाड्रन में तकरीबन 125 आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। जहाँ तक बात है आर्मी की, तो आर्मी भी इससे कुछ रेजिमेंट्स ऑपरेट करती है, और आर्मी की जो डील थी वो तकरीबन 1400 करोड़ रुपए की डील थी। वहीं पे आर्मी तकरीबन 2 और ऐसे रेजिमेंट को ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रही है, इंडक्ट करने की। और एक और मैं डेटा करेक्ट कर देना चाहूँगा कि जो ये डील है IAF के 7 स्क्वाड्रन की आकाश को लेके, तो ये तकरीबन 5400 करोड़ रुपए की पड़ने वाली है, ना कि 57। तो आकाश सैम को लेके एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो इस क्विक अपडेट को लेके इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।